Hello students, in last video, okay, we have seen about double staircase wiring, ठीक है, गोडाउन वायरिंग. अब हम देखते हैं कि सर्किट डायग्राम एक 40 वॉट के फ्लोरोसेंट ट्यूब को अगर हमको 220 वोल्ट डीसी सप्लाई से ऑपरेट करना है तो हम किस तरीके से करेंगे. तो आप देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पर डायग्राम है, ठीक है. एक आपने फ्लोरोसेंट ट्यूब जो है वो लगाई हुई है, आप उसका डायग्राम सिंबल्स देख सकते हैं किस तरीके से है. अब उसको आपका पुश बटन के साथ में कनेक्शन किस तरीके से किया है, और नीचे आप देखेंगे कि आपका इंडक्टर और रेसिस्टर जो है एक दूसरे के साथ में सीरीज में कनेक्टेड हैं, और किस तरीके से ये जो चोक, इसको कहते हैं चोकोय, ये किस तरीके से आपका फ्लोरोसेंट ट्यूब के साथ में कनेक्टेड है. तो ये जो डायग्राम यहाँ पर है आपके सामने, आप देख सकते हैं एक फ्लोरोसेंट ट्यूब है, ठीक है, जो कि आपका दोनों टर्मिनल, जो आपका पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल से किस तरीके से कनेक्टेड है चोक कॉइल के माध्यम से, और ऊपर आप देख सकते हैं कि पुश बटन से ये किस तरीके से कनेक्टेड है. तो ये जो सर्किट डायग्राम है ये किसके लिए है, आपका जो 40 वॉट फ्लोरोसेंट ट्यूब है जिसे हमको 220 वोल्ट डीसी सप्लाई पे ऑपरेट करना है, उसके लिए जो सर्किट डायग्राम इस्तेमाल होगा वो आपके सामने यहाँ पर है. नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, देखिए, सर्किट डायग्राम ऑफ 40 वॉट फ्लोरोसेंट ट्यूब यूजिंग ग्लो स्टार्टर एंड टू ऑपरेटेड फ्रॉम 230 वोल्ट एसी सप्लाई. यहाँ पर डिफरेंस आप देखेंगे, इससे पहले जो हमने देखा वो था फ्लोरोसेंट ट्यूब 40 वोल्ट का जिसको हमको 220 डीसी सप्लाई से ऑपरेट करना था. अब हमारे पास में है क्वेश्चन कि हमको 40 वोल्ट फ्लोरोसेंट ट्यूब को जो है यहाँ पर उसे ऑपरेट करना है विद द हेल्प ऑफ ग्लो स्टार्टर, है ना. और आपका यहाँ पे जो है जो सप्लाई किस तरह की दी जा रही है वो है आपका 220 वोल्ट एसी सप्लाई. तो अब आप यहाँ पर देखेंगे कि इसके लिए जो सर्किट डायग्राम इस्तेमाल किया जा रहा है वो किस तरह से है. यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पर क्या किया है, पिछले डायग्राम में आपने देखा था कि आपका जो ऊपर वाला पार्ट था, मतलब जो ट्यूब इलेक्ट्रोड, आपका फ्लोरोसेंट ट्यूब जो है इसके जो दोनों जो ट्यूब इलेक्ट्रोड्स हैं वो किस तरीके से कनेक्टेड थे. अब ऊपर वाला जो पोर्शन था वहाँ पर था क्या लगा, पुश बटन. यहाँ पर इंस्टेड ऑफ पुश बटन हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, ग्लो स्टार्टर. आप देख सकते हैं ग्लो स्टार्टर का सिंबल डायग्राम, सिंबल किस तरीके से है. इसमें आप देख सकते हैं जो ऊपर वाला जो आपका लगा हुआ है इन, है ना, ये कैपेसिटर काइंड ऑफ जो हमको दिख रहा है इसे हम क्या कहते हैं, RIS, दैट इज रेडियो इंटरफेरेंस सप्रेसर, ठीक है. तो ये आपका जो है ग्लो स्टार्टर है, इसके लिए सिंबल किस तरीके से बनाया गया आप यहाँ देख सकते हैं. और इसमें जो ऊपर वाला आपका पार्ट है जो कि कैपेसिटर जैसा लग रहा है उसे कहते हैं हम रेडियो इंटरफेरेंस सप्रेसर, रेडियो इंटरफेरेंस सप्रेसर है ये. और आप यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका फ्लोरोसेंट ट्यूब का नीचे वाला हिस्सा जो कि वहाँ पर एक चोक कॉइल के माध्यम से, चोक बोल लीजिए या फिर इंडक्टर जो भी है, तो उस वहाँ यहाँ पर क्या था आपका, हम दे रहे हैं सिंगल फेज एसी सप्लाई, है ना. तो आप देख सकते हैं जो आपके दोनों टर्मिनल्स, दोनों आपके जो इलेक्ट्रोड के बीच में यहाँ पर भी एक कैपेसिटर लगा हुआ है, ठीक है. तो ये आपका डायग्राम किसके लिए होगा, आपका 40 वॉट अगर फ्लोरोसेंट ट्यूब को आप स्टार्ट कर रहे हैं या ऑपरेट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ अ ग्लो स्टार्टर, और आप सप्लाई किस तरह का दे रहे हैं यहाँ पर, एसी सप्लाई दे रहे हैं, ठीक है. तो लास्ट, इससे पहले जो हमने देखा था वो था आपका 40 वॉट का फ्लोरोसेंट ट्यूब जिससे कि क्या हो रहा था, हम डीसी सप्लाई के माध्यम से ऑपरेट कर रहे थे, ठीक है. तो वहाँ पर हमने लगा लिया था एक पुश बटन, लेकिन यहाँ पर आपका एक्सक्लूसिवली बोला जा रहा है कि आपको ग्लो स्टार्टर इस्तेमाल करना है. इसलिए आप ऊपर में देख सकते हैं कि हमने फ्लोरोसेंट ट्यूब जो आपका इलेक्ट्रोड है ना, ऊपर का जो हिस्सा है उसको हमने ग्लो स्टार्टर के साथ में कनेक्टेड किया है. और यहाँ पर ग्लो स्टार्टर जो है उसका सिंबल आप देख सकते हैं कि इसमें जो RIS यहाँ पर आपका एरो से मैंने दिखाया है, ये है आपका रेडियो इंटरफेरेंस सप्रेसर, रेडियो इंटरफेरेंस सप्रेसर, है ना. और आपका नीचे देख सकते हैं आप जहाँ पर चोक कॉइल लगा है या फिर इंडक्टर जो है, तो दोनों इलेक्ट्रोड्स की जो टर्मिनल्स हैं, है ना, उन दोनों के बीच में नीचे क्या दिया हुआ है, कैपेसिटर कनेक्टेड होगा. तो दिस इज़ द डायग्राम फॉर फ्लोरोसेंट लैम्प,
है ना, जिसे कि हम इस्तेमाल कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ ग्लो स्टार्टर विथ एसी सप्लाई। नाउ नेक्स्ट डायग्राम या सर्किट डायग्राम जो है हमारा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और ये है आपका क्या, सोडियम वेपर लैम्प। ठीक है, ये सोडियम वेपर लैम्प आपने सुना होगा, नहीं सुना होगा तो भी, ये जो सोडियम वेपर लैम्प होता है जो रोड पे आप देखते हैं रात में, स्ट्रीट लाइट्स वगैरह हम जलाते हैं, रोड लाइटनिंग करते हैं जो, ठीक है, उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो आखिर ये सोडियम वेपर लैम्प का सर्किट डायग्राम किस तरीके से आएगा आपका, आपको ये देखना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत क्लियरली मैंने डायग्राम बनाया हुआ है आपके लिए। तो जो वेरियस इसके पार्ट्स हैं आप देख सकते हैं आपके सामने हैं सोडियम वेपर लैम्प के। ठीक है, आप मेरे, मुझे लगता है कि आपने लास्ट कभी फिज़िक्स में शायद ड्रॉ किया भी होगा। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, लेफ़्ट हैंड साइड से हम शुरू करते हैं सबसे पहले। ठीक है, लेफ़्ट साइड में आप देखिए सप्लाई जो है यहाँ पर आपका सिंगल फेस एसी सप्लाई की जा रही है 230 वोल्ट की। ठीक है, आप ये क्या है आप बता सकते हैं मुझे? यस, आपने पढ़ा होगा ट्रांसफार्मर, नहीं तो भी अभी आप पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर। ठीक है, बेसिकली ट्रांसफार्मर क्या होता है, ट्रांसफार्मर एक डिवाइस है, स्टैटिक डिवाइस है, जो क्या करता है आपके एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करता है फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म विदाउट चेंजिंग इट्स फ्रीक्वेंसी। ठीक है, डेफिनेशन ट्रांसफार्मर की ये बोलती है। और जो हम सर्किट डायग्राम या फिर जो सिंबल हम रिप्रेजेंट करते हैं ट्रांसफार्मर के, क्योंकि ट्रांसफार्मर में दो वाइंडिंग होती है, एक होती है आपकी प्राइमरी वाइंडिंग और दूसरी होती है सेकेंडरी वाइंडिंग, तो जनरली हम आपका जो सिंबल यूज़ करते हैं ट्रांसफार्मर के लिए, तो आप लेफ्ट हैंड साइड में देख रहे हैं ये पूरा जो सेट है। ठीक है, ये जो पूरा आपका सेट है इसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसफार्मर, जिसकी आपके एकदम जो सबसे लेफ्ट साइड जहाँ हम सप्लाई दे रहे हैं वो वाली वाइंडिंग जो है उसे हम प्राइमरी वाइंडिंग कहते हैं। और आप वहाँ पर देख सकते हैं दो लाइन खींचे हुए हैं। ठीक है, ये दिखाता है कि ये दोनों वाइंडिंग जो है एक दूसरे के साथ कपल्ड है ना, म्यूचुअली कपल्ड है। और जो आपका राइट हैंड साइड में आप वाइंडिंग देख पा रहे हैं, जिससे आप देख सकते हैं कि दो लाइन के माध्यम से यहाँ पूरा जो डिस्चार्ज ट्यूब है जो कनेक्टेड है, ठीक है, बोल सकते हैं हम ये वाली जो वाइंडिंग है ये आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग है, जिसके आउटपुट से आपका जो है ये डिस्चार्ज ट्यूब कनेक्टेड है। होप कि आपको समझ में आ रहा हो, बट अब वीडियो है तो हम ऐसे समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखिए ये जो लेफ्ट हैंड साइड का पूरा पोर्शन है ये है हमारा ट्रांसफार्मर, जिस साइड पे आपका देख सकते हैं आप एसी सप्लाई दिया जा रहा है 230 वोल्ट का, वो होता है हमारा प्राइमरी वाइंडिंग। और आप देख सकते हैं जो सेकेंडरी वाइंडिंग है उससे आपका जो आउटपुट जा रहा है वो जा रहा है आपका डिस्चार्ज ट्यूब पे। तो हम जो ट्रांसफार्मर यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं, देखिए उसमें हमने एक लगाया हुआ है कंडेंसर, ठीक है, जो जनरली ट्रांसफार्मर में नहीं होता है, बट यहाँ पर ये स्पेशली कंडेंसर लगाया जा रहा है। ये कंडेंसर, जो कंडेंसर इस्तेमाल हम कर रहे हैं ये होता है पीएफ करेक्शन के लिए। ठीक है, पीएफ मतलब आप समझते होंगे पावर फैक्टर। ठीक है, तो ये जो कंडेंसर है यहाँ पर ये क्या करता है, इसका काम है पावर फैक्टर करेक्शन का काम है। आप देख सकते हैं हाई रिएक्टेंस ट्रांसफार्मर इंक्रीजिंग द वोल्टेज टू 488 वोल्ट। देखिए मैंने आपको बताया ट्रांसफार्मर, ठीक है, एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म, ये जनरल एक डेफिनेशन होती है ट्रांसफार्मर की। लेकिन ट्रांसफार्मर जो है वो अलग अलग प्रकार के भी होते हैं, कि उसका किस तरह से कंस्ट्रक्शन है उसके बेसिस पे ट्रांसफार्मर के प्रकार होते हैं, किस पर्पस के लिए यूज़ हो रहा है इसके हिसाब से ट्रांसफार्मर के प्रकार होते हैं, जो कि आप दूसरे सब्जेक्ट्स में भी पढ़ेंगे, बट मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बताना चाहूँगी ट्रांसफार्मर के बारे में, कि जब हम ट्रांसफार्मर, ठीक है, इस्तेमाल कर रहे हैं वोल्टेज को बढ़ाने या घटाने के लिए, है ना, तब उस केस में क्या होता है, ट्रांसफार्मर के जो नाम दिए जाते हैं वो होते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर और होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप अप, ठीक है, स्टेप अप मतलब होता है एक लेवल ऊपर, है ना, मतलब ऊपर बढ़ाना। तो जब हम कह रहे हैं स्टेप अप, तो आपको नाम से समझ में आना चाहिए कि ये क्या कर रहा है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर आर दोज डिवाइसेस या दोज, है ना, डिवाइस जो आपके वोल्टेज को क्या कर रहे हैं, स्टेप अप मतलब बढ़ा कर दे रहे हैं।
तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो हाई रिएक्टेंस एरो दिया हुआ है, हाई रिएक्टेंस ट्रांसफार्मर फॉर इंक्रीजिंग द वोल्टेज टू 488 वोल्ट। आप देख सकते हैं कि आपने 230 वोल्ट की सप्लाई दी है और हमको सेकेंडरी वाइंडिंग में वो कितनी हो जा रही है, 480 वोल्ट हो रही है। इसका मतलब ये जो ट्रांसफार्मर है ये कैसा ट्रांसफार्मर है, हमारा स्टेप अप ट्रांसफार्मर। सिमिलरली स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर अगर कहा जाता तो स्टेप डाउन मतलब क्या होता है, जो वोल्टेज आप देते हैं वो उसको घट के आपका सेकेंडरी साइड में मिलता है कम होकर, ठीक है। जस्ट इसका रिवर्स हो सकता था कि सप्लाई आप 480 दे रहे हैं और आपको सेकेंडरी में जब 230 मिले, तो इन दैट केस हम ऐसे ट्रांसफार्मर को कहते हैं स्टेप डाउन, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ वोल्टेज जब हम बात करते हैं सप्लाई वोल्टेज, तो अगर वोल्टेज बढ़ के हमको आउटपुट पे मिल रहा है सेकेंडरी साइड में तो उसे कहते हैं हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर। तो बेसिकली जो सोडियम वेपर लैम्प में यहाँ जो ट्रांसफार्मर इस्तेमाल हो रहा है वो कैसा आपका एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपने सप्लाई दी है 230 वोल्ट एसी सप्लाई दी हुई है प्राइमरी वाइंडिंग पे, और इसी प्राइमरी वाइंडिंग के इनपुट पे देखिए आप एक लगा हुआ है कंडेंसर जिसका काम है आपका पावर फैक्टर को कंट्रोल करना, राइट। ये पावर फैक्टर को जो है आपका करेक्ट करता है। अब सेकेंडरी वाइंडिंग से आप देख सकते हैं यहाँ पर एक डिस्चार्ज ट्यूब के साथ में कनेक्शन डायग्राम है, आप देख सकते हैं ये एक डबल वॉल्ड वैक्यूम ट्यूब है, देख सकते हैं आप जो उसका आउटर ट्यूब है वो कैसा है, डबल वॉल्ड वैक्यूम ट्यूब। अंदर में आप देखेंगे जो यू शेप में आपको दिख रहा है जिससे कि सेकेंडरी वाइंडिंग आपकी कनेक्टेड है, इसे हम कहते हैं क्या, डिस्चार्ज ट्यूब कंटेनिंग नियॉन गैस एंड सोडियम वेपर। तो ये आपका एक सिंपल सा डायग्राम है जो कि सर्किट डायग्राम बोला जाता है, किसके लिए, सोडियम वेपर लैम्प के लिए जिसे इस्तेमाल किया जाता है रोड लाइटिंग के लिए। होप कि आपको ये समझ में आया हो, ठीक है। ये एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, आप इसे प्रैक्टिस कर लेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे जो है वो है हमारा वन लैम्प कंट्रोल्ड फ्रॉम थ्री पॉइंट्स। अभी तक हमने देखा था एक लैम्प को दो अलग जगह से ऑपरेट करना, ये हमारा लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का, जिसमें हम ये देखेंगे कि एक लैम्प को अगर हमको तीन जगह से ऑपरेट करना है तो उसके लिए किस तरह का डायग्राम होगा। तो आप देख सकते हैं एक लैम्प है आपके सामने, यहाँ पर एक न्यूट्रल है, फेज है ना। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर क्योंकि हमने बोला थ्री पॉइंट से हमको कंट्रोल करना है, मतलब हमारे पास यहाँ पर तीन स्विचेज हैं, स्विच S1 S2 S3, और इस वायरिंग में जो लगने वाला मटेरियल है वो देखिए क्या क्या है यहाँ पर आपका 40 वॉट 60 वॉट के आपके 250 वोल्ट के लैंप, एक नग एक सेट। लैंप हमको एक ही चाहिए क्योंकि हमको एक लैंप को तीन जगह से ऑपरेट करना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे है द्विमार्गी स्विच, मतलब टू वे स्विच, वो है आपके दो, और हमारा एक मध्यस्थ स्विच है जो एक नग है ना, मध्यस्थ स्विच जो लगेगा वो है एक नग। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डायग्राम आपके सामने है कि बल्ब का न्यूट्रल और फेस किस तरीके से आपस में कनेक्टेड है, और आपका जो स्विचेस के साथ में इनका कनेक्शन डायग्राम किस तरीके से किया गया देखेंगे यहाँ पर लास्ट में। अभी तक हम लोगों ने जितने डायग्राम्स पढ़े हैं उनमें स्विच के जो कनेक्शन डायग्राम थे अभी तक ऑलमोस्ट हर स्विचेस में सेम थे, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप इसमें देख सकते हैं कि जो पॉइंट्स, ठीक है, हर किसी में दो पॉइंट्स जो क्लोज हैं वो डिफर कर रहे हैं। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे यहाँ पर कि वन लैम्प कंट्रोल्ड फ्रॉम थ्री पॉइंट्स, जब एक लैम्प को तीन जगह से कंट्रोल किया जाता है तो उसके लिए जो सर्किट डायग्राम इस्तेमाल होता है वो आपके सामने है। तो ये टॉपिक के साथ हमारा सेकेंड यूनिट भी ख़त्म होता है। अब मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँगी कि क्या इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं इस यूनिट से बनते हैं या आ सकते हैं, तो मैं आपको बताती हूँ। बेसिकली हम अभी पढ़ रहे थे थर्ड यूनिट, ठीक है, डोमेस्टिक वायरिंग के बारे में हम देख रहे थे। तो सबसे पहले हम देख रहे थे क्या एक क्वेश्चन कैसा आता है इसमें से कि ड्रॉ नीट स्केच ऑफ सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन ऑफ फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट, ड्रॉ अ नीट स्केच ऑफ स्टेयर केस वायरिंग विद द हेल्प ऑफ इंटरमीडिएट स्विच,
मतलब आपका स्टेयर केस वायरिंग से क्वेश्चन आता है, आपका सीरीज और पैरेलल कनेक्शन फ्लोरोसेंट ट्यूब लाइट से क्वेश्चन आता है। इसके अलावा विद द हेल्प ऑफ सिंगल फेस एनर्जी मीटर अ पैनल बोर्ड ड्रॉ अ वायरिंग डायग्राम फॉर थ्री रूम्स, ठीक है, ये हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ द डायग्राम ऑफ हाई प्रेशर सोडियम वेपर लैम्प, जो अभी हमने डिस्कस किया। इसके अलावा ड्रॉ वायरिंग डायग्राम ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स इन अ हाउस, टू पावर प्लग पॉइंट्स, दो शक्ति प्लग पॉइंट, वन पावर पॉइंट फॉर रेफ्रिजरेटर, एक विद्युत इस्त्री हेतु शक्ति पावर पॉइंट, वन पावर पॉइंट फॉर इलेक्ट्रिक आयरन, है ना। तो ये क्वेश्चन भी हमने किया हुआ है सॉल्व, सॉल्यूशन आपके पास में है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ सकता है ड्रॉ द सर्किट डायग्राम ऑफ 40 वॉट फ्लोरोसेंट ट्यूब टू बी ऑपरेटेड फ्रॉम 220 वोल्ट डीसी सप्लाई, ये अभी हमने देखा। और आपका जो लास्ट क्वेश्चन होता है कि राइट जनरल लॉ ऑफ डोमेस्टिक वायरिंग ना, और आपका ड्रॉ द गोडाउन वायरिंग, गोडाउन वायरिंग से भी कई बार क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। वायरिंग डायग्राम, स्कीमेटिक डायग्राम और सिंगल लाइन डायग्राम बनाने के लिए कहा जा सकता है। एक लैम्प, एक सीलिंग फैन विद रेगुलेटर और एक 5 एम्पीयर पिन सॉकेट को दिखाते हुए, और ये तीनों चीज़ें जो हैं वो इंडिविजुअल स्विच से जो है आप कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये सारे नोट्स मैंने आपको यहाँ पर दे दिए हैं, ये आपके लिए वीडियो लेक्चर है, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट है इस यूनिट से तो हमारी जो ट्यूटोरियल क्लास होगी आप उसमें डाउट्स पूछ सकते हैं। बाकी देखिए, इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि सेल्फ प्रैक्टिस, आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस खुद से करेंगे उतनी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। नोट्स आर विथ यू, है ना। मैंने चीज़ों को जैसे एक्सप्लेन किया जा सकता था, कोशिश की है कि मैं करूँ वीडियो के माध्यम से। अब अगर आपको इस यूनिट में कोई डाउट है तो आप मुझसे मैसेज से, ठीक है, या फिर अगली जब हमारी मीट होगी तब आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप डाउट्स को नोट करके रखेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे, जो कि मैं यूनिट 4 स्टार्ट करूँगी। हमने सबसे पहले अभी यूनिट 1 कंप्लीट किया है, उसके बाद हमने यूनिट 3 किया, और अब हम यूनिट जो स्टार्ट करेंगे वो होगा यूनिट 4, जो कि होगा आपका इंस्ट्रूमेंट सर्किट, ठीक है। ये आपने पढ़ा भी होगा, ये डायग्राम्स हमको बनाने हैं, इसमें देखने होंगे कि आपका मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट, मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट, PMMC, है ना, इन सारी चीज़ों के लिए डायग्राम किस तरीके से बनाया जाता है वो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे। टिल देन आप प्रैक्टिस करेंगे इस यूनिट के सारे डायग्राम्स जो सर्किट डायग्राम्स है, कनेक्शन डायग्राम्स है, और इन केस ऑफ एनी डाउट आप मुझसे फ़ोन करके भी पर्सनली पूछ सकते हैं, ठीक है। टिल देन कीप ऑन प्रैक्टिसिंग।